बुधवार को मुजफ्फरपुर डबल मर्डर की घटना से दहल उठा। ब्रह्मपुरा थाना से महज कुछ दूरी पर ज्ञानलोक स्कूल गली स्थित रिटायर्ड रजिस्ट्रार अजय कुमार शर्मा और उनकी पत्नी रेनू शर्मा की निर्मम हत्या कर दी गई। वो दोनों घर में अकेले ही रहा करते थे। घर का सामान भी तितर बितर है। मौके पर DDC, CTSP, नगर DSP और प्रशिक्षु IPS समेत कई थाने की पुलिस मौजूद है। घटना मंगलवार की देर रात की बताई जा रही है। रिटायर्ड रजिस्ट्रार के घर के बगल में उनके भाई वरीय अधिवक्ता सरोज शर्मा का भी घर है। प्रारंभिक छानबीन में डकैती के दौरान हत्या की बात सामने आई। पुलिस टीम छानबीन में जुटी है। बताया जाता है कि अजय कुमार शर्मा DDC उज्जवल कुमार सिंह के बड़े बहनोई थे। घटना की जानकारी करीब 11 बजे परिजनों को हुई। इसके बाद पुलिस पहुंची, छानबीन जारी है। मैं कचहरी में था तब 12:15 बजे हमको इस घटना की जानकारी हुई। हमारे छोटे भाई अजय बाबू के घर में घटना घट गई है, उनकी हत्या हो गई। उसके बाद हम मोटरसाइकिल पर अपने जूनियर सरोज बाबू को कार ले चलिए डेरा। उसका डेरा है तभी तब लाश मिली। गोली लोग कह रहा है जो रोड से सिर को वकील साहब प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है मामला, क्या लग रहा है देखने से? लूटपाट का भी लग रहा है, लूटपाट का मामला है। अब परिचित लोगों ने किया, घर तो कोई परिचित ही खुलवाया होगा। हाँ, घर परिचित। अच्छा, क्या क्या गायब है कुछ पता? जिसका इनके यहाँ आना जाना था, अक्सर आना जाना था, उन्हीं लोग सामान वगैरह क्या क्या गायब है? स्कूटी सब नहीं कर सकते, स्कूटी भी नहीं आगे। क्या क्या स्कूटी है वो नहीं देख रहा है। क्या 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 सर का क्या नाम हुआ? नीचे का नंबर बता। सरोज कुमार शर्मा नाम हुआ भाई उनके। क्या अशोक बाबू कैसे जानकारी आपको मिली? क्या जानकारी? कैसे जानकारी मिली? फोन गया, सुने ना, एक जगह एक मिनट अंदर गए तो क्या देखे? अंदर नहीं जाने, हम इनकी भाभी नहीं जाने। अकेले रहती थी? हाँ, दोनों आदमी अकेले। बाल बच्चा इन लोग का कहाँ रहता? पटना, बंगलोर, बम्बे। कोर्ट वाली बेटी। पत्नी का क्या नाम था उनके? रेनू। क्या करती थी? हाउस वाइफ थी या कुछ? नहीं, हाउस वाइफ। अच्छा, इनका क्या? अजय कुमार शर्मा। अजय कुमार दोनों। क्या शुभ नाम हुआ आपका? आपका शुभ नाम? अभी बहन नहीं। हाँ, बहन यहाँ पे मर्डर हुआ है और FSL की टीम हमारी आ रही है और इसके बारे में डिटेल जानकारी देंगी। दोनों वृद्ध दंपति हैं और उनके अलावा यहाँ पे कोई नहीं रहता। तो संभावना ये भी हो सकती है कि कुछ चोरी वोरी के हिसाब से लोग इंटर किए होंगे, कुछ कागजात भी इधर उधर बिखरे पड़े हैं। तो जब तक इसके बारे में कुछ तकनीकी ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता है FSL से, कोई भी बात अभी कहना जल्दीबाजी होगी। इनके परिजन भी यहाँ पे नहीं है, परिजनों को सूचना दी गई है और परिजन जब आएंगे तो फिर आगे की कार्रवाई। सर, किस चीज़ से हत्या की गई? देखिए, हत्या तो अभी हम लोग प्रथम दृष्टया बाहर से तो देख रहे हैं तो लग रहा है कि किसी धारदार चीज़ या हैवी चीज़ से अटैक करके किया गया है। लेकिन ये पूरी बात जब तक FSL उसको, अभी हम लोग बॉडी को किसी को टच नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो PO है। अगर उसको हम डिस्टर्ब करेंगे विदाउट FSL दे तो वो ठीक नहीं रहे। कोई क्लू नहीं मिल पा रहा है, ना तो इनकी कोई दुश्मनी, ना कोई कारण। जो भी है वो वही है, PO ही है जो हम लोगों को दोषी के पास पहुंचाएगा। तो PO को हम लोग सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। FSL आएगी उसके बाद वो बता पाएगी कि आखिर मौत का कारण क्या है। फिर पोस्टमार्टम के लिए हम लोग जाएंगे और क्लियर होगा और इसी के आधार पर धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे उसमें। इस घटना को लेकर मोहल्ले में मातम का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मुजफ्फरपुर से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।